हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए, क्योंकि भाई अच्छे रहोगे तभी तो वीडियो बनाओगे, तभी तो आपका वीडियो दौड़ेगा। तो आज है मंडे सोमवार और आज हम लोग मिलादुन नबी का त्यौहार भी है। त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को। बारिश का मौसम चल रहा है, वीडियो जो है घर पर ही बनेगा और घर जो मेरा है वो आपके सामने है। बारिश तो इतना हो रहा है ना, दिखाते हैं अभी आपको, पीछे देख सकते हैं आसमान में काले बादल हैं, बारिश है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। पानी तो इतना गिरा हुआ है, बह रहा है कहने नहीं है। बाहर में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, वो हमें गोल गोल घुमा रहे हैं। 90% बात उन लोगों का घुमाने वाला होता है, 10% ही सच्चाई होती है। आप जब भी उनका वीडियो देखिएगा, अगर 10 मिनट की वीडियो है तो 5 मिनट वो घुमाएंगे पहले शुरू में व्यूज के चक्कर में, बाकी 5 मिनट जो है वो अपना देते हैं कि हाँ ये चीज़ करिए। काम की बात वो बस उनके 10% रहता है, 90% वो घुमाते हैं ताकि उनके वीडियोज़ के व्यूज में मिल सके, उनका वॉच टाइम बढ़ सके। भाई हम उनको देख देख के उनको कमाने का मौका दे रहे हैं, लेकिन हम उनके वीडियो को देख के कमा नहीं पा रहे हैं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, हमें YT स्टूडियो और क्रोम के चक्कर घुमा रहे हैं कि क्रोम में ये सेटिंग करिए, YT स्टूडियो में फलना सेटिंग करिए, आपका व्यूज बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा। ये देखिए 50 सब्सक्राइबर से डायरेक्ट 50,000 हो गया, कद्दू होता है। हम लोगों ने सारे सेटिंग ऑन करके देख लिए हैं। YT स्टूडियो का कौन सा सेटिंग है जो भाई आप लोग को नहीं पता है, सभी को पता है। क्रोम का सेटिंग भले वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लगभग सभी को जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। लेकिन बताएंगे कि क्रोम में घुस के यहाँ ये करिए वो करिए, आपका व्यूज एकदम ऊपर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है अपना दिमाग लड़ाना है, ज़्यादा इन लोगों के आगे पीछे नहीं घूमना है। अपना दिमाग लड़ाइए और सबसे पहले देखिए करना क्या होता है। जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि जो ट्रेंड होता है, मतलब ट्रेंडिंग जो चलता है उसको फॉलो करिए। ट्रेंडिंग जैसे मान लीजिए स्त्री 2 का गाना अभी अगर देखिए, अगर ट्रेंडिंग में वो टॉप पे चल रहा था, उस पे जिसने भी वीडियो बनाया लाखों करोड़ों में व्यूज चले गए। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिस पे जो ट्रेंड पे चलते हैं, तो ट्रेंड को फॉलो करिए। दूसरी बात दोस्तों, आप जो वीडियो बनाते हैं, सबसे पहले तो आप उस वीडियो को क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। क्वालिटी अगर क्वालिटी अच्छा रहेगा तो आदमी ना चाहते हुए भी देख ही लेता है कि भाई ये एकदम अच्छा क्वालिटी में दिख रहा है। क्वालिटी मोबाइल होना चाहिए वैसा जो आपकी वीडियो को क्वालिटी को बढ़ा दे। दूसरा, एडिटिंग, अगर आप एडिटिंग अच्छे से कर लेते हैं वीडियो का, अगर वो आकर्षक होता है देखने में, अगर टाइम टाइम पे आपने एंगल चेंज किया हो वीडियो का, सारा कुछ आप बता रहे हैं तो वो भी देखता है इंसान, एडिटिंग। तीसरा हो गया बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक अगर आपने अच्छा लगाया हो तो आपकी वीडियो को वो बढ़ा देता है खूबसूरती को। चौथा ये है कि भाई आज कौन नहीं जान रहा है टैग्स लगाने के लिए, जितने भी क्रिएटर्स हैं लगभग अगर आपका टाइम अच्छा खासा हो गया है यूट्यूब में तो टैग्स लगाना तो भाई इजी है आपके। 500 टैग्स लगाना कोई भारी चीज़ नहीं है। अगर नहीं लगाना जानते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है टैग्स और डिस्क्रिप्शन के ऊपर, वो आप देख सकते हैं, वो मेरे चैनल में उपलब्ध है वो। दूसरा, डिस्क्रिप्शन आप लोग कम लिखते हैं, बहुत कम लिखते हैं, इसीलिए आपके वीडियो का जो है व्यूज ना भागता नहीं है। डिस्क्रिप्शन कम से कम 5,000 अगर बोल रहा है यूट्यूब कि 5,000 डिस्क्रिप्शन लगाना है, तो उसमें कम से कम तो 2,500-3,000 तो आप लगाइए ही डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन अगर लिखिएगा तभी लोग जानेंगे, आपकी वीडियो सर्च लिस्ट में आएगी, तब देखेंगे लोग आपकी वीडियोस को। फ्रेंड्स, हम लोग जो नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं। जो भी यूट्यूबर्स हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं, टेक से रिलेटेड हैं, हम लोग उनके वीडियोस को देखते हैं कि वो सेटिंग में क्या बोल रहे हैं, बस उन्हीं को फॉलो करने के चक्कर में हम उनके फॉलोअर्स बन के रह जाते हैं। हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते ही नहीं हैं, हम उनको व्यूज दे रहे हैं, वॉच टाइम दे रहे हैं, अपना खुद का कुछ कर ही नहीं रहे हैं। उसके वीडियोस को हम कॉपी करने में लगे रहते हैं कि वो इस टाइप से बोला है तो हम भी वही बोलेंगे। भाई वही कॉपी करने के चक्कर में आप कॉपी पेस्ट बन के रह गए हैं। अब कहने का मतलब ये है कि लोग तो उसको देख ही रहे हैं, लोग उसको देख रहे हैं, जान रहे हैं वो कैसा वीडियो बना रहे हैं, कैसा क्या कर रहे हैं। तो भाई सेम चीज़ आप करिएगा तो वो आपको क्यों देखेंगे, देखेंगे तो बड़े यूट्यूबर्स को। तो भाई सबसे पहले कहने का मतलब ये है कि आपकी वीडियो भी वायरल होगी, बस उसको ढंग से टैग्स, डिस्क्रिप्शन,
एडिटिंग, साउंड, वीडियो क्वालिटी, ये सारा कुछ अगर ढंग से करिएगा ना तो आपकी वीडियो भी वायरल होगी, 100% होगी। तो दोस्तों, और कुछ लोग करते क्या है ना कि एक वीडियो डालने के बाद वो बहुत लंबा गैप ले लेते हैं, जिनके चलते उसके चैनल का रीच जो है डाउन हो जाता है। भाई आप कंटिन्यू कम से कम पर डे ना सही, एक दिन दो दिन छोड़ के आप वीडियो डालिए, तभी आपका चैनल ग्रो करेगा। उसके बाद ही आपका चैनल ऊपर सर्च लिस्ट में आएगा, रनिंग करेगा, यूट्यूब उसको आगे फॉरवर्ड करेगा, तभी आपका चैनल आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, अगर लगा होगा कि हाँ भाई ने कुछ अच्छा बोला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि हिम्मत बनी रहे। बाय।